हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू राइट बी जोशी। स्वागत है जी फिर से आप सभी का एक और वीडियो में। आज मैं पहुंचा हुआ जी चंडीगढ़ के रोज़ फेस्टिवल में, जो कि आज स्टार्ट हो चुका है। आज फर्स्ट डे है, डे वन है, तो सोचा चल के वीडियो शूट कर लूँ ताकि आप लोगों को भी घर बैठे बैठे रोज़ फेस्टिवल दिखा सकूँ। अगर आपने टाइम से ये वीडियो देख लिया तो आप भी जल्दी से आकर देख सकते हो। कल और परसों का दो दिन अभी भी और चलेगा ये रोज़ फेस्टिवल। आज डेट है जी 17 फरवरी 18 और 19, दो दिन और चलेगा ये। 17, 18, 19 में हो रहा है इस बार 2023 में ये रोज़ फेस्टिवल। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, देर ना करते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, जल्दी से आपको दिखाते हैं अलग अलग तरह के रोज़, करवाते हैं आपको भी रोज़ फेस्टिवल के दर्शन। चलिए तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं जल्दी से अंदर और दिखाते हैं आपको रोज़ फेस्टिवल 2023। मेन गेट से एंट्री हो चुकी है हमारी। हर साल की तरह सेम टू सेम वैसे ही सजाया गया, जैसे हर साल सजावट कर रखी होती है इन्होंने, इस बार भी सेम टू सेम वैसे का वैसे ही है। ये तो मैं रोड पे जा रहा था, इस बार तो मुझे याद ही नहीं था कि रोज़ फेस्टिवल भी आएगा। मैं तो वैलेंटाइन डे के चक्कर में रोज़ फेस्टिवल ही भूल गया था। बाद में दिमाग में आया यार अभी तो रोज़ फेस्टिवल होना पेंडिंग है और वीडियो भी बनानी है हमने, तो एक रोड पे खड़ा था अचानक लाइटों पे, वहाँ पर बोर्ड देखा और देख के फटाफट डेट चेक करी कि किस डेट को है। परसों की बात है अभी, तो उसी समय चेक करके बस फिर आज पहुँच गया देखने के लिए। ये है यहाँ की मेन है जो स्टार्टिंग पॉइंट, एंट्री गेट के बाद सीधा यही आता है हर साल, वही पहले की पुरानी जो फोटो लगी हुई हैं उन्हीं को ये हर बार दिखा देते हैं यहाँ पर। इस वाले पोर्शन में कोई ख़ास नया नहीं होता, बस पुराने जो काफ़ी साल पहले के फ्लावर की इन्होंने फ़ोटो वगैरह कैप्चर करी हुई है, उन्हीं के पोस्टर वगैरह लगा रखे होते हैं इन्होंने। हर साल इनको साफ सूफ करके फिर से लगा देते हैं। अब आगे चल के देखते हैं और क्या है मेन अट्रैक्शन देखने के लिए। लो जी, वहाँ के एंट्री गेट से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पर ये कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, स्टॉल लगी हुई हैं बैक साइड पे। बस एक अलग सा ही क्रेज होता है लोगों का यहाँ पर ना। ये लो, ये पीके बन के घूम रहा है पीके। ओपन हैंड बनाया हुआ चंडीगढ़ का, फ्लावर से डेकोरेशन करी गई है। वैसे तो एक्चुअल में ये किसी मटेरियल से बना हुआ है, जो कि चंडीगढ़ के मेन एंट्रेंस है जो वहाँ पर लगा हुआ है, एक पंचकूला की साइड पे और दूसरा हलो माजरा वाले चौक की साइड पे। यहाँ से अंदर चलते हैं इस साइड पर, यहाँ पर फाउंटेन लगे हुए हैं। कोई
इस साइड पे वो फ्लावर लगाए हैं जो कि कंपटीशन में प्राइज विनर है। वाह, शिवालिक नर्सरी की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया, देखिए कितना बढ़िया है। यहाँ इसमें आपको मल्टी कलर के जो फ्लावर्स हैं, गुलदाउदी है, डेलिया है और भी हैं, जो ग्रीन पाम वगैरह, वो सारे के सारे लगा रखे हैं। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन करी हुई है उन्होंने, एवरग्रीन लैंडस्केप। छोटा सा गार्डन टाइप का बनाया हुआ है। गुरु गोविंद सिंह विद्या मंदिर स्कूल नियर मुल्लांपुर रतवाड़ा साहब, पंजाब के कल्चर को दिखाया गया इसमें। मेरा पिंड के नाम से थीम है, पुराने बर्तन रखे हुए हैं जो कि पंजाब के अंदर यूज़ होते थे, पट्टी रखी हुई है, कुआं बनाया है छोटा सा, पुराने कल्चर से आजकल की पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक अच्छी स्टार्टिंग है ये भी, क्योंकि बहुत लोग तो इन चीज़ों को भूल भी चुके हैं। और भी काफ़ी स्टॉल्स लगी हुई हैं प्लांटेशन के लिए। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ये सारे के सारे घूम जाइए। नर्सरी वालों ने लगा रखे हैं सारे स्टॉल, है ना, जो अपनी मार्केटिंग के लिए। सेक्शन वन, बहुत बढ़िया, देखिए आया सावन झूम के सनशाइन दिल से। इस बार एक अलग ही थीम है, अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा। फूलों की डेकोरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर रखी है, बुके टाइप बना रखे हैं ये इन्होंने। ये फ्लावर शुरू हो चुके हैं जो पॉट्स में रखे हुए हैं, ये भी प्राइस विनर है सारे के सारे, क्लास बी है ये, अच्छे लग रहे हैं। देखिए एक ही फ्रेम में लेने की कोशिश करता हूँ सारे फूलों को, तो बढ़िया लग रहे हैं भाई साहब। ये साइज देखो फूल का, कैमरे को वाइड किया हुआ है, उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े फूल हैं, ये देख लो, लगभग 11-12 इंच के फ्लावर हैं। काफ़ी लंबा सेक्शन हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट चल के रोज़ फेस्टिवल की तरफ, खुद चल के जो रोज़ की फ्लावर हैं उनकी तरफ चलते हैं। सुंदर तो बहुत लग रहे हैं देखने में ये, और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आज थोड़ा सा वेदर फॉगी है,
लो जी यहाँ से होगी शुरू परफॉर्मेंस गुलाबों की। मल्टी कलर फ्लावर हैं सारे के सारे, रोज के हैं ये रोज प्लांट। आगे रंगोलियां लगी हुई हैं उनकी वीडियो कैप्चर कर लेता हूँ, बीच बीच में म्यूज़िक लगा देंगे ताकि फॉरवर्ड करके फटाफट वीडियो को शॉर्ट कर सकें। ये देखिए बच्चों ने अपने हाथों से रंगोलियां बना रखी हैं, बहुत बढ़िया लग रही हैं। देखिए कुछ रंगोलियाँ फूलों से बनी हुई हैं और कुछ जो रंगोलियाँ वो पेंट से, और जो कुछ रंगोलियाँ वो कलर से बनाई हुई हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है इसको, ये फ्लावर से बनी हुई है। और ये देख लीजिए ये सारे के सारे कलर से बना हुआ, जो रंगोली वाले कलर आते हैं ये उनसे बनाई हुई हैं। लो इस बार एक नई चीज देखने को मिली है इस शो में, ये जो कैप लगा के ना फोटो खिंचवाते हैं अलग अलग तरह की। देखो सबके हाथ में अलग अलग कलर की कैप पकड़ी हुई है जो कि फ्लावर से बनी हुई है। ओनली फॉर स्नैप्स नॉट फॉर सेल। ये जो हैट्स रखी हुई हैं ये फोटो खिंचवाने के लिए सर। ये देखो अलग अलग फूलों से डेकोरेट करा हुआ है इसको, फूलों और पत्तियों से। चलिए अब चलते हैं भांगड़ा देखते हैं। अच्छा डांस था, किन्नर थे, किन्नर डांस कर रहे थे। Oh, my God.
जो मेन मुद्दा अपना वो है रोज फेस्टिवल, और अब रोज की वीडियो ना बनाई तो फायदा क्या। ये लो जी, ये देख लो, बहुत ही सुंदर है, पिंक कलर के गुलाब के फूल हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और हैरानी की बात ये देख लो कि नाम इसका रोज फेस्टिवल है और रोजों की तरफ कोई भी नहीं घूम रहा, सिर्फ मैं ही वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। ये देख लो, ओ भाई साहब कलर देखो कितना घातक है इसका। एक चीज मैंने नोट करी है, पंजाबी बंदे जहाँ भी जाते हैं ना बस एक अलग ही रंग बांध देते हैं। वहाँ देख लो वो सरदार जी कितना बढ़िया तरीके से डांस कर रहा था। भाई साहब फूल फाल तो इस बार कम ही है, ये तो और ही फेस्टिवल हो रहा है, कोई अलग अलग तरह के कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं ये, क्या बात है। यहाँ वाला जो सेक्शन है वो सुनसान से ही पड़ा, रोज कोई इतनी ज़्यादा मात्रा में है नहीं। चलो अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ को, आगे चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं क्या है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लगता है इस हिसाब से, क्योंकि पूरे रोज फेस्टिवल को कैप्चर करना लगभग एक घंटे की वीडियो का काम है, तभी आप सब कुछ देख सकते हो। और फिलहाल इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो उठा लेते हैं। बस ये कह सकते हो इस बार तो इसका नाम ही रोज फेस्टिवल है, रोज तो बहुत कम रह गए यहाँ पर। अब पहले काफ़ी तरह के कलर होते थे, अब जो कलर हैं वो कम हो गए हैं, पहले जितने नहीं रहे। चलिए जी अब एक अलग सेक्शन है ये, वहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ भी देख लेते हैं क्या क्या। और कुछ ना दिखा, फिफ्टी वंस इस बार 51वां रोज फेस्टिवल मनाया जा रहा है, 51 साल से चल रहा है ये। वायु मित्र एयर प्यूरीफाई बनाया हुआ, स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज इस बार ये अलग अलग स्टॉल लगी हुई हैं, हॉर्टिकल्चर की है, फायर रेस्क्यू की है, सफाई मित्र सुरक्षा। हैंडीक्राफ्ट, कैंडल एंड ट्रे, हर्बल होली कलर। इस बार ये नई मार्केट लगी है, पहले नहीं कभी होती है, इसके लिए एक अलग से स्पेस दी गई है इनको यहीं पर रोज गार्डन के अंदर ही। चलिए फाउंटेन के सेकंड वाला जो पार्ट है वहाँ आ गया हूँ। इस बार जो बड़ा फाउंटेन चलता है वो नहीं है, बहुत हाइट होती है उसकी, काफ़ी प्रेशर उसका हाइट तक जाता है। बस जब बंदे उधर से थक के आ जाते हैं घूम फिर के तो यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। क्या गुलाब दिखाऊं यार आप लोगों को, गुलाब क्यारियों में है ही नहीं इस बार। ये देख लो, एक ये क्यारी है यहाँ पर और उसके बाद ये लो, ये पूरे का पूरा इन्होंने रास्ता बना दिया यहाँ से चलने के लिए। और ये क्यारी देख लो, नाम के पौधे हैं गुलाब के, यहाँ पर गुलाब है ही नहीं, देख लो ये सूखे सड़े हुए गुलाब हैं सारे के सारे। ये लो बेचारों की हालत देख लो इनकी क्या हो रखी है, और हैरानी के बाद देखो इनको तो पानी भी नहीं लगा रखा इन्होंने, अब क्या खिलना था इन्होंने। इस बार तो मूड ही ख़राब हो गया यार रोज फेस्टिवल में आकर, मज़ा नहीं आया पहले जैसे ना, जैसे
एक अलग ही क्रेज था ना इसका, जो वो नहीं है अब तो क्राउड है यहाँ पर बस। चलो ले दे के बेचारे ये थोड़े बहुत कुछ इस टाइप के फूल हैं, वो भी बिरले ही हैं पेड़ पे। एक पीछे जाके छोटा सा लगा वो पोर्शन, वहाँ चलते हैं, वहाँ देख लेते नहीं वापसी चलते हैं फिर। यार ये इन्होंने पूरी मार्केट लगा रखी है खाने पीने की, देखते हैं वहाँ पर कोई सिंगर आया होगा लगता कोई, पर पहले फिलहाल जो रोज फेस्टिवल में रोज देखने हैं वो देख ले। नहीं है यार मज़ा नहीं है दोस्तों इस बार, चलो फिर भी जैसी बनेगी वीडियो बना देंगे, डाल देंगे बना के। मन में ये नहीं रहेगा कि 2023 का जो रोज फेस्टिवल है उसको कैप्चर नहीं करा मैंने। चलिए यहाँ देखते हैं चल के क्या शोर शराबा मचा रखा है इन्होंने। पूरी मार्केट है इस बार ये खाने पीने की बना रखी इन्होंने। यूथ हैं कचरा वगैरह जो भी डाल दो ठीक है। स्वच्छ रसोई चलिए जी अब चलते हैं वापस पीछे को। इस साइड भी डांसिंग वासिंग का ही प्रोग्राम था या खाने पीने की स्टॉल्स वगैरह लगी हुई हैं। ओ भाई साहब पूरा ब्रिज भरा पड़ा। देख लिया पूरा ब्रिज भरा हुआ। चल गए अब हम भी निकलते हैं आगे। Thank you.
चलिए दोस्तों वापसी चलते हैं, वीडियो को जाके एडिट भी करना और अपलोड भी करना, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। आज 17 तारीख है, 17 फरवरी, 18 फरवरी कल का दिन और 19 फरवरी परसों का दिन, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन तक चाहिए रोज़ फेस्टिवल चलेगा। अगर टाइम से आपने वीडियो देख ली तो आप भी आ सकते हो इसको देखने के लिए, नहीं तो फिर आपको पूरा एक साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ आने के लिए अच्छी जगह है, बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। बाकी अगर कहोगी रोज़ नहीं है यहाँ पर, बस इसका ये कह सकते हो कि नाम रोज़ फेस्टिवल है, रोज़ तब जरे हालत ख़राब रखी है इनकी। तो ये देख लो, जहाँ पर भी जिस भी कैरी में कैमरा घुमा रहा हूँ है ही नहीं कुछ, दिख नहीं रहा, देख लो। गुलदौली शो ज़्यादा बेस्ट था इसके मुकाबले में। चलिए चलते हैं वापस। अब अपने तरफ से तो कोशिश करिए वीडियो बना के आपको दिखाने की, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि चंडीगढ़ के अंदर होने वाले कुछ इस टाइप से जो भी कल्चरल प्रोग्राम होंगे या कोई फेस्टिवल होगा तो उसको ज़रूर कोशिश करूँगा टाइम लगा तो कैप्चर करने की जाकर, क्योंकि ऑफिस का भी काम देखना होता है। ये था कि जल्दी जल्दी से बस ऐसे कह सकते हो इसको मैंने पूरा आधे घंटे में कवर कर लिया, बीच में अपना काम भी कर लूँगा और ये वीडियो भी बन जाएगी। ख़ास रश नहीं है वैसे, जहाँ पर है वहाँ काफ़ी है, यहाँ नहीं है वहाँ बिल्कुल ही नहीं है। ये देख लो ये पूरा डॉल और ये कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं यार, कितना बढ़िया लग रहा है। ये पेड़ और वो जो सामने का व्यू है बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार ये ज़्यादा डार्क कलर के फ्लावर हैं जो रोज़ के हैं यहाँ पर, ये या पिंक हैं, बाकी जो कलर होते थे अलग अलग टाइप के वो नहीं है। तो चलिए बेल ट्री आ गया, इसके ऊपर ना जो चार्मिंग बेल होती हैं वो लगा रखी हैं पूरे के ऊपर इन्होंने, काफ़ी सालों से देख रहा हूँ इसको। पहले इसका कलर ब्लैक था, पहले शुरू में इसका कलर था जो वो कॉपर कलर था, फिर इसको ब्लैक कर दिया इन्होंने, अब इस बार ये लगभग 2-3 साल से इसको सिल्वर कर रखा है। तो चलिए जी चलते हैं वापस। ये देख लो लास्ट टाइम जो गुलदौदी शो में रखा हुआ था ना, ये प्रेमी जोड़ा श्री फरहाद है, लैला मजनू है, पता नहीं क्या है जो भी हैं, ये देखो। चलिए जी अब बढ़ते हैं वापस। थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट, अब इन्होंने भी लिख दिया और हम भी कह रहे हैं आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, कीप राइडिंग विद लाइफ। लो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं पर करते हैं दी एंड और चलते हैं वापस अपने काम पे, मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, राइड विद जोशी, कीप राइडिंग विद लाइफ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए और ऐसी ऐसी वीडियो ला सके। तो चलिए जी चलते हैं, वीडियो को इसी के साथ यहीं पर दी एंड करते हैं। ओके जी बाय बाय।